हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द पोएम द स्कूल बॉय रिटन बाय विलियम ब्लेक द स्कूल बॉय। इस पोएम में हमें बताया गया कि जो स्कूल बॉय है, छोटा बच्चा है, ही लव्स, इसको गर्मी के मौसम में सुबह जल्दी उठना भी पसंद है। ही लव्स टू सिंग विद बर्ड्स, इसे पक्षियों के साथ गाना भी पसंद है सुबह सुबह। लेकिन इसे सुबह क्या पसंद नहीं है, सुबह उठकर जो इसे स्कूल जाना पड़ता है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और स्कूल में जाना क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि इसे स्कूल में टीचर की जो स्ट्रिक्ट आई है, क्रूल आईज है, निर्दयी आंखों के नीचे रहना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं है। इसलिए बच्चा नहीं चाहता कि वो सुबह सुबह स्कूल जाए। और इस पर हमें ये भी बताया गया है कि जिस तरह से इसमें एग्जाम्पल दिया गया है बर्ड्स का, जिस तरह से अगर मान लो बर्ड्स की कोमल पौधा है और उसके हम फूल खिलने से पहले कलियों को तोड़ दें या इसके उसके फूल जो है हवा में उड़ जाए, तो वो पौधा कैसे डेवलप होगा, कैसे उसमें गर्मियों में फल आएंगे। इसी तरह से अगर बच्चे को हम बचपन में ही डरा कर रखें, बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखें, तो बच्चा भी डेवलप नहीं हो पाता है, वो निराशा में अपना जीवन बिता देता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न। अब जो बच्चा है स्कूल बॉय है वो कह रहा है कि आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, मुझे मैं पसंद करता हूँ राइज मीन्स उठना, समर मीन्स गर्मी की, मॉर्न मीन्स सुबह, गर्मी की सुबह मुझे जल्दी उठना पसंद है। व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, जब हर पेड़ पर क्या कर रहे होते हैं, बर्ड सिंग कर रहे हो, पक्षी गा रहे होते हैं। द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और कुछ देर पर क्या कर रहता है, जो सुबह सुबह शिकारी आते हैं उनके विंड्स हॉर्न मीन्स हवा हॉर्न के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड द स्काई लाइक सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। और जो सुबह सुबह जब वो जल्दी उठता है तो उसको ये भी बहुत पसंद है कि जो स्काई लाइक बर्ड है, स्काईलार्क होता है, चातक पक्षी, उसके साथ वो बच्चा जब गाता है तो उसकी वो जो कंपनी है वो उसे बहुत स्वीट लगती है, बहुत प्यारी लगता है उस पक्षी के साथ गाना। फर्स्ट एग्जाम में हमें बताएगा कि बच्चा है जो उसे सुबह जल्दी उठना बहुत पसंद है और सुबह सुबह पक्षियों के साथ गाना भी उसे बहुत पसंद है। सेकेंड स्टैंजा, बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स स्कूल जॉय अवे। अभी यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है कि लेकिन सुबह सुबह स्कूल जाना, गर्मी की मॉर्निंग में सुबह सुबह स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स स्कूल जॉय अवे, ये कहता है कि सारी खुशी को, सारे जॉय को अवे मीन्स दूर ले जाता है, ड्राइव मीन्स ले जाता है। अंडर ए क्रूल आई आउट वन, और वो कह रहा है कि क्रूल आई किसे बोला है, टीचर की निर्दयी आंखें बोला है यहाँ पर। आउट वन मीन्स थका हुआ, वो कहता है कि स्कूल में क्या होता है कि टीचर की निर्दयी आंखों के नीचे, आउट वन मीन्स थका हुआ। द लिटल वन स्पेंड द डे, वो छोटा बच्चा है सारा दिन कैसे बिताता है, इन साइंग और डिसमे, साइंग मीन आहे भरता हुआ और डिसमे मीन निराशा में। सेकंड स्टैंडर्ड में बताया गया है कि बच्चा जब सुबह सुबह स्कूल जाता है तो टीचर्स की क्रूल आई, निर्दयी आंखों के नीचे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में क्या करता है वो सारा दिन, वो कुछ भी नहीं सीख पाता है, वो केवल थका हुआ रहता है और आहे भरने में और निराशा में अपना वो सारा दिन बिता देता है। थर्ड स्टैंडर्ड, देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट एंड स्पेंड मैनी एनर्जीज आर। अब वो बच्चा क्या कह रहा है कि एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट, ड्रॉपिंग होता है झुका हुआ, कि मैं क्या करता हूँ तब सारा दिन झुका हुआ बैठा रहता हूँ। स्पेंड मैनी एन एनर्जीज आर, एनर्जीज होता है चिंतित, आर मीन घंटे, और मैं बहुत से घंटे चिंता में बिताता हूँ। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट मीन्स खुशी, ना ही मैं मुझे मेरी बुक्स में खुशी मिलती है। नोर सीट्स इन लर्निंग बोवर वॉन टू द डेली शोवर, लर्निंग बोवर बताया गया कि लर्निंग होती है ज्ञान, तो वो कहें कि ज्ञान की जो छाया होती है, जो टीचर हमें ज्ञान दे रहा होता है, वॉन इन ड्रो वॉन मीन्स थका हुआ, तो थका होने की वजह से क्या होता है, डेरी शोवर, वो ज्ञान की बुछारें, वो सब ज्ञान की बातें उसे क्या लगती है, डेरी मीन्स होता है नीरस, नीरस शोवर लगता है, नीरस ज्ञान की बुछारें लगती है उसे, टीचर की जो बातें हैं वो क्रूल आई के नीचे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में, निर्दयी आंखों के नीचे, उसे सब नीरस लगता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फोर्थ, हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय। और वो बच्चा कह रहा है कि कैसे एक पक्षी है, यहाँ पर बर्ड का एग्जाम्पल दिया है, बर्ड को बॉय से कंपेयर किया है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय, कि किस तरह से एक पक्षी है जो जॉय मीन्स खुशी के लिए पैदा हुआ है। सिट इन ए केज एंड सिंग, उसको अगर हम केज में बंद कर देते हैं पिंजरे में, तो वो किस तरह से सिंग मीन्स गा सकता है, खुश हो सकता है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनोय। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया बर्ड को बॉय से, कि किस तरह, जिस तरह से एक पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर देते तो कैसे वो खुश रह सकता है और कैसे गा सकता है, इसी तरह से किस तरह से एक बच्चा जो फियर्स अनोय, फियर मीन्स डर, अनोय मीन्स सहमा हुआ, जो डर से सहमा हुआ है,
बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, तो वो क्या करता है अपनी कोमल पंखों को गिरा देता है, जैसे पक्षी को अगर हम पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अपने टेंडर विंग्स को, टेंडर होता है कोमल, ड्रूपिंग गिरा देना, तो पक्षी अपने कोमल पंखों को गिरा देता है। फॉरगेट इज यूथफुल स्प्रिंग, और वो अपनी फॉरगेट मीन भूल जाना, अपनी यूथफुल स्प्रिंग को, बसंत के सुहावने मौसम में और अपने यौवन को वो पक्षी भूल जाता है। इसी तरह से एक बच्चा है, अगर वो सारा दिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में, टीचर की क्रूल आई में, फियर अनोयमेंट, अगर वो डर से सहमा हुआ रहता है, तो वो पक्षी भी क्या करता है, वो बच्चा भी क्या करता है, कुछ भी नहीं सीख पाता है, डरा हुआ, वो भी जैसे पक्षी अपने पंखों को गिरा देता है, इसी तरह से वो बच्चा भी सारा दिन क्या करता है, चिंता में रहता है और झुका हुआ बैठा रहता है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर नेप्ड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, अब यहाँ पे पेरेंट्स को बोला बोला है पोइट ने कि हे माता और पिता, इफ बर्ड्स आर नेप, बर्ड्स होते हैं कलिया, नेप मीन तोड़ देना, अगर हम कलियों को, अगर कोई कोमल प्लांट है हम उस पर फूल खिलने से पहले उसकी कलियों को तोड़ दें, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, और ब्लॉसम होते फूल, ब्लो मीन्स होता है बह जाना हवा में, और अगर उस प्लांट के फूल हवा में बह जाए खिलने से पहले, इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्टिप ऑफ द ज्वाइंट स्प्रिंगिंग डे, अब कह रहे हैं कि अगर टेंडर होता है कोमल, इस कोमल पेड़ को स्ट्रिक्ट होता है वंचित रखना, किसी चीज़ से दूर रखना, इस तरह से अगर इस कोमल प्लांट को हम फूल खिलने से पहले कलियां तोड़ दे या उसके फूल बह जाए तो वो किस तरह हवा से उड़ जाए, तो किस तरह से वो स्प्रिंगिंग डे में, बसंत में, फूल खिलने के दिनों में वो उस खुशी को कैसे महसूस कर पाएगा। बाय सोरो एंड केयर दिस में हाउ शैल द समर अराइज इन्जॉय और समर फ्रूट्स अपीयर, वो कह रहा है कि जैसे पक्षी के अगर मान बर्ड्स, जो प्लांट है उसके बर्ड्स को निप कर दिया जाए, कलियों को तोड़ दिया जाए, उसके फूल हवा में उड़ जाए, तो किस तरह से वो समर में खुशी महसूस करेगा और वो समर में फल कैसे देगा अगर उसके फूलों को पहले तोड़ दिया गया है। इसी तरह एक बच्चे के साथ यहाँ पे बर्ड्स को कंपेयर किया गया है, स्टैंडर्ड प्लांट को, कि इसी तरह से अगर बच्चे को चाइल्डहुड में, इसके बचपन में उस पर इतना प्रेशर डाल दिया जाए, उसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाए, उसे टीचर की क्रूल आईज के नीचे रहना पड़े, उसके पुस्तकों का, उसका भारी बर्डन हो उसके ऊपर, उसकी स्टडी का, तो वो बच्चा डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सारा दिन सिर्फ डरा हुआ सहमा हुआ रहता है और वो क्लासरूम में कुछ भी नहीं सीख पाता है। इसलिए यहाँ इस पोएम में हमें क्या बताया है कि हर इंसान को क्या चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होती है, और फ्रीडम में रहकर ही वो हैप्पी रह सकता है और वो परफेक्ट हो सकता है और वो डेवलप हो सकता है। ओके, टुडे योर होमवर्क इज टू रीड द पोएम केयरफुली एंड लर्न लर्न एंड लाइक द मीनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम। ओके।